हेलो दोस्तों, आपका योगेश एकेडमी स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं GH राय सोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर के बारे में। तो आपको इस वीडियो में इस कॉलेज से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले हम देख लेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलेज, जिसमें आपको पता चल जाएगा कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, कॉलेज का रैंक क्या है, कॉलेज का ग्रेड क्या है और इस कॉलेज की NRF रैंक क्या है, जो कि काफ़ी सही है। इस कॉलेज की NRF रैंक वो भी हम देख लेंगे आगे। कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, DTA कोड, ये सब आपको पता चल जाएगा कॉलेज से रिलेटेड। सेकेंड नंबर में देख लेंगे डिपार्टमेंट के बारे में, टोटल कितने ब्रांचेस है इस कॉलेज में और हर एक ब्रांच में टोटल इनटेक कैपेसिटी कितनी है, और कॉलेज में कौन सी डिग्री प्रोवाइड करता है, BE, ME, MTech, और हम मोड ऑफ एडमिशन भी देख लेंगे, हम मतलब कौन से एग्जाम के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, वो सब हम देख लेंगे। और थर्ड नंबर पर हम MSCCD का कट ऑफ देख लेंगे, जो कि लास्ट ईयर का MSCCD एंड JEE का कट ऑफ, हर एक ब्रांच का हर एक कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख लेंगे, ताकि आपको भी एक आइडिया जाएगा कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। फोर्थ नंबर हम देख लेंगे फीस देख लेंगे हर एक कैटेगरी के हिसाब से। फिफ्थ नंबर पर हम कॉलेज के हॉस्टल के बारे में देख लेंगे, कॉलेज के हॉस्टल की इंटेक कैपेसिटी क्या है, फीस वगैरह क्या है, वो सब देख लेंगे। छठे नंबर पर हमारा सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट, तो एकेडमिक ईयर के हिसाब से हम देख लेंगे कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज क्या गया था, एवरेज पैकेज क्या था और कौन कौन सी कंपनीज कॉलेजेस में आती हैं। तो काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे ये कॉलेज का रिव्यू करने के लिए, तो फाइनली आज के वीडियो में इस कॉलेज का हम रिव्यू देख लेते हैं पूरा कंप्लीट। तो चलिए अभी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें कॉलेज की दोनों इमेज दी गई है, इंफ्रा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कॉलेज का, आप देख सकते हो कॉलेज की लोगो भी यहाँ पे दी गई है। हम कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो कॉलेज हमारा 1998 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो लगभग आज से इस कॉलेज को कंप्लीट टोटल 24 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कॉलेज के इंस्टीट्यूट नेम के बारे में बात करें तो हमारे कॉलेज का पूरा नाम अंकुश शिक्षण संस्था JH राय सोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर है। और लोकेशन के बारे में बात करें तो कॉलेज हमारा CRP ऑफ गेट नंबर 3, डिग दो हिल्स, हिंगा रोड, नागपुर 4,40,016 में आ जाता है। अब हम कॉलेज के स्टेटस के बारे में बात करें तो कॉलेज हमारा प्राइवेट ऑटोनोमस कॉलेज है, जो कि अप्रूव्ड बाय AICT न्यू दिल्ली से, रेकनाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से एंड अफिलेटेड बाय रस्त्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से, और इस कॉलेज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से A+ ग्रेड भी मिला हुआ है। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, जो कि यहाँ मेंशन की गई है www.ghrcerysoni.net। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। अब हम कॉलेज के NRF रैंक के बारे में बात करें तो कॉलेज पूरे इंडिया में 200 रैंक के अंदर आ जाए, आप देख सकते हैं इस कॉलेज की जो रैंक है 163 है, क्योंकि काफ़ी सही रैंक है। कॉलेज से हम नियरेस्ट एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो कॉलेज से हमारा नागपुर एयरपोर्ट नज़दीक है, जो कि 13 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हमारा नागपुर है, जो कि 12 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट बस स्टैंड हमारा नागपुर है, जो कि 15 किलोमीटर की दूरी पे। कॉलेज का DTE कोड 4116 है, जिसे हम इंस्टीट्यूट या कॉलेज कोड भी कहते हैं। अब हम कोर्सेज के बारे में देखें तो इस कॉलेज में BTech और MTech की डिग्री मिल जाती है, आप देख सकते हो BTech में हमें यहाँ पे कितनी सारी ब्रांचेस मिल जाती है, मतलब 10-12 ब्रांचेस हमें सिर्फ यहाँ पे BTech में मिल जाती हैं। और लास्ट ईयर इस कॉलेज में काफ़ी नई ब्रांचेस आई है, 2019 में नई ब्रांच आई है, 20 में आई है, 21 में आई है, तो इस कॉलेज में जो नई नई ब्रांचेस हैं आते जा रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो हमें कौन कौन सी ब्रांचेस मिल जाती हैं, सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाता है, और जो नई ब्रांच आई है यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IoT के ऊपर है, फिर सेकेंड वाला साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है, फिर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, और यहाँ पे जो और नई ब्रांचेस आई है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पे, फिर सेकेंड वाली हमारा AI पे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, यहाँ पे हमें डेटा साइंस ब्रांच भी मिल जाती है, और यहाँ पे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ब्रांच मिल जाती है। अब यहाँ पे इंटेक कैपेसिटी के बारे में देख सकते हो, सिविल में 60 की है, कंप्यूटर में यहाँ पे 180 की है, IT में 180 की है, यहाँ पे IoT की 60 की है, साइबर सिक्योरिटी की 60 की है, इलेक्ट्रिकल में 60 की है, ENTC में यहाँ पे 60 की है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 की है, मैकेनिकल में 60 की है, और जो नई ब्रांच आई है मशीन लर्निंग उसमें 120 की सीट है, और AI में यहाँ पे देख सकते हो 60 की है, डेटा साइंस में 60 की है, और जो नई AI है उसमें 120 की है। तो टोटल आप देख सकते हो BTech में हमें यहाँ पे 1140 सीटें मिल जाती हैं। अब MTech के बारे में बात करें तो इस कॉलेज में आप BTech के बाद MTech भी कर सकते हो, MTech मतलब मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मास्टर में आप देख सकते हो हमें यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस मिल जाती है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मिल जाता है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मिल जाता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाता है, इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम मिल जाता है, फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी भी मिल जाता है, VLSI, फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, CAD/CAM डिजाइनिंग, जो कि मैकेनिकल के सब्जेक्ट हैं। और आप इंटेक कैपेसिटी भी देख सकते हो, आपकी 18, 18, 12, 12 है, हर एक 12 है, तो आप देख सकते हो MTech में टोटल 108 सीटें मिल जाती हैं। और इस कॉलेज में मोड ऑफ एडमिशन के बारे में बात करें तो अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप MSCCD और JEE के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, दोनों हमारे मतलब इंट्रेंस एग्जाम है, तो JEE हमारा नेशनल लेवल पे होता है और MSCCD हमारा महाराष्ट्र स्टेट लेवल का एग्जाम है।
दोनों जो एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए है। अब यहाँ पे हम MSc CET एंड JEE मेंस का कट ऑफ देख लेते हैं, जो कि लास्ट ईयर का 2021 का हर एक ब्रांच का हर एक कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कॉलेज में हमें हिंदी माइनॉरिटी मिल जाता है। अगर आप हिंदी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, आपकी जो मदर टंग है अगर हिंदी है, तो आप इस कॉलेज में आराम से एडमिशन ले सकते हो। आपको यहाँ पे 51% रिजर्वेशन मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मतलब जितनी अच्छी ब्रांचेस है हर एक अच्छी ब्रांच में यहाँ पे कम कट ऑफ लगता है, तो आप कम कट ऑफ में भी यहाँ पे अच्छी ब्रांचेस ले सकते हो अगर आप हिंदी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें सिर्फ चार टाइप की कैटेगरी मेंशन की गई है, ओपन हो गया, माइनॉरिटी हो गया, TFWS हो गया, JEE मेंस का हो गया। तो TFWS और JEE मेंस है ये तो ऑल इंडिया रैंक की मतलब है स्टेट लेवल की सीटें हैं। तो आप देख सकते हो जो ओपन कैटेगरी है ये जो सीटें हैं इसमें हर एक कैटेगरी मेंशन हो गई, जैसे अपना ओपन हो गया, SC ST हो गया, OBC हो गया, जितने भी कैटेगरी है ना आपको हर एक को ओपन में यहाँ पे कंसिडर किया जाता है माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस में। मतलब यहाँ पे मतलब कोई फिक्स ऐसा रिजर्वेशन नहीं है कैटेगरी के लिए, जैसे आप OBC SC है तो ऐसा 2-3% आपको कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप यहाँ पे अगर 50 सीट है तो 50 OBC वाले भी ले सकते हैं जिनके अच्छे मार्क्स है, या 50 ओपन वाले भी ले सकते हैं। तो कोई फिक्स सीट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको इतना 50% सीटें मिल जाती हैं, आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो ओपन का कट ऑफ है ओपन कैटेगरी का, मतलब जो अदर कैटेगरी ओपन की सीटें, 23.69% डाल गया था। अब माइनॉरिटी की सीट यहाँ पे वैकेंट थी, अगर आप हिंदी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आप 0% डाल में भी यहाँ पे सिविल ले सकते थे। TFWS का भी आप कट ऑफ देख सकते हो 69.31% डाल गया है, और JEE मेंस का 50.97% डाल गया। तो आप JEE मेंस के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। कंप्यूटर के बारे में देखें तो आप देख सकते हो ओपन का कट ऑफ 87.89 है, और माइनॉरिटी का यहाँ पे 54.65 अगर आप हिंदी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो। तो आप इस कॉलेज में मतलब कंप्यूटर डिपार्टमेंट भी ले सकते हो, आपके 50-60% डाल हैं अगर तो भी। और TFWS का आप देख सकते हो 91.32% डाल गया था, और JEE मेंस का 58.81 गया था। IT का भी आप देख सकते हो ओपन का कट ऑफ 84.22 गया था, माइनॉरिटी की सीट यहाँ पे भी वैकेंट थी, TFWS का 89% डाल गया था, JEE मेंस का 79 था। और साइबर सिक्योरिटी वाले डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो ओपन का 82.25% कट ऑफ गया था, माइनॉरिटी की सीट यहाँ पे वैकेंट थी, TFWS का 87.32% डाल गया था, और JEE मेंस का 80.52% डाल गया था। अब हम IoT डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, तो उसका जो ओपन का कट ऑफ था 76.23% डाल गया था, माइनॉरिटी की कैंडिडेट की यहाँ पे सीट वैकेंट थी, TFWS के लिए 85.67% डाल गया था, और JEE मेंस का 77% डाल गया था। इलेक्ट्रिकल का ओपन का 31% डाल गया था, माइनॉरिटी की सीट यहाँ पे वैकेंट थी, TFWS का 66% डाल था, और JEE मेंस का 69% डाल गया था। ENTC का यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन का 72% डाल गया था, माइनॉरिटी की सीट यहाँ पे वैकेंट थी, TFWS का 84.55% डाल गया था, और JEE मेंस का 74% डाल गया था। अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो ओपन का 56% डाल गया था, माइनॉरिटी कैंडिडेट की सीट यहाँ पे वैकेंट थी, TFWS का 59% डाल गया था, और JEE मेंस का 28.54% डाल गया था। अब मैकेनिकल का आप देख सकते हो ओपन का कट ऑफ 0.80% डाल गया था, और पूरी माइनॉरिटी की सीट यहाँ पे वैकेंट थी, TFWS का 59.35% डाल गया था, और JEE मेंस का 28.54% डाल गया था। अब यहाँ पे AIML डिपार्टमेंट के बारे में बात करें मशीन लर्निंग के, तो ओपन का कट ऑफ 87% डाल गया है, माइनॉरिटी की सीट यहाँ पे वैकेंट है, TFWS का 88.74% डाल गया, और JEE मेंस का 80.68% डाल गया। और डेटा साइंस डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो ओपन का 76% डाल गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हो माइनॉरिटी की सीट वैकेंट है, TFWS का 84.42% डाल गया, JEE मेंस का 74.81% डाल गया। AI डिपार्टमेंट के बारे में बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो उसका जो ओपन का कट ऑफ है 78.28% डाल गया है, माइनॉरिटी की सीट यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंट ही समझ लो, मतलब 30.42 मतलब वैकेंट सीट है शायद से। और TFWS का आप देख सकते हो 82.93% डाल गया है, और JEE मेंस का यहाँ पे 76.28% डाल गया। अब यहाँ पे आपको एक डाउट आएगा कि यहाँ पे EWS कैटेगरी कहाँ है, तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जो भी माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं हर माइनॉरिटी कॉलेजेस में EWS कैटेगरी नहीं होती है, क्योंकि जो मेन रिजर्वेशन होता है वो माइनॉरिटी वाले लोग को चला जाता है यहाँ पे 51%, इसीलिए अलग से रिजर्वेशन नहीं वो लोग देते हैं EWS को 10% वाला। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर आप हिंदी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आप कोई भी ब्रांचेस ले सकते हो कम परसेंटाइल में, जैसे सिविल या आपकी IT से जितने भी रिलेटेड ब्रांचेस है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, हर एक कैटेगरी की सीट खाली है। और जो कोर ब्रांचेस है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इनकी तो पूरी सीट ही खाली है। तो IT का कोई भी ब्रांचेस आप यहाँ पे ले सकते हो, मतलब 50-60 अगर आपका परसेंटाइल है तो मान के चलो आपका यहाँ पे आराम से एडमिशन हो पाएगा। अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो और आपको अगर मतलब दिक्कत आ रही है फीस भरने में, तो आप इन कॉलेजेस में EBC भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपका जो ट्यूशन फीस होता है 50% ऑफ हो जाता है। तो आपका अगर 1.5 लाख फीस है तो आपको मतलब 70-80 के आसपास आएगा सिर्फ भरने। तो ऑल इंडिया रैंक तो कॉलेज की काफ़ी अच्छी है, लेकिन कट ऑफ देख के तो लग नहीं रहे,
कि कट ऑफ तो इस कॉलेज का मतलब बहुत कम है और जो माइनॉरिटी की सीटें हैं हर एक सीट खाली है। तो नागपुर वाले पुणे मत जाओ, जैसे कि आपके नागपुर में भी इतना अच्छा कॉलेज है, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी माइनॉरिटी की सीट वैकेंट है। अगर आप हिंदी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो आप तो यहाँ पे आराम से एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि जो कॉलेज की NRF रैंक है 163 है, मतलब पूरे इंडिया में 200 के अंदर आता है इंजीनियरिंग में ये हमारा कॉलेज। अब हम कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो जो कॉलेज की ट्यूशन फीस है 121,739 रुपीज़ है, कॉलेज की डेवलपमेंट फीस 18,261 रुपीज़ है, यूनिवर्सिटी एंड जो अदर फीस है टोटल 17,701 रुपीज़ है, 710 रुपीज़ है, जो टोटल आपकी फीस है यहाँ पे 157,710 रुपीज़ है। हम कैटेगरी वाइज फीस देख लेते हैं, तो ओपन की 157,710 रुपीज़ है, SC/ST के 17,710 रुपीज़ है, VJDT, NT 1, 2, 3, SBC की फीस आप देख सकते हो 35,971 रुपीज़ है, Tier 2 लिस्ट की भी यहाँ पे सेम फीस है 35,971 रुपीज़, EBC, SCBC, EWS, OBC इनकी जो फीस है यहाँ पे आप देख सकते हो 98,841 रुपीज़ है। मतलब आप देख सकते हो अगर आप ये सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो EBC, EWS, OBC तो भी आपकी जो फीस है मतलब 1,00,000 के आसपास ही है। अब हम कॉलेज के हॉस्टल इन्फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें हॉस्टल की इमेज दी गई है और जो हॉस्टल की फीस है यहाँ पे 90,000 दी गई है गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए। और यहाँ पे आपको बस फीस भी मिल जाएगी, आप देख सकते हो जो बस की यहाँ पे फीस है 22,000 है आपकी। अब सबसे मेन पार्ट आता है हमारा प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कंपनी के नाम दिए गए जो कि हरदम आती है इस कॉलेज में। तो आप देख सकते हो कौन कौन सी कंपनी आती है इस कॉलेज में, टेक महिंद्रा आती है, जियो आता है, अमेजोन आता है, अदानी की आती है, ये सब कंपनी आती है, बायजूस हो गया, ये सब जितनी भी कंपनी आती है मतलब आपके 1,00,000 के आसपास पैकेज दे देती हैं। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के रिव्यू भी दिए गए हैं, आप ये भी रिव्यू पढ़ सकते हो कॉलेज के बारे में, कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में। तो पहले रिव्यू में तो आप देख सकते हो कौन कौन सी कंपनी आती है इस कॉलेज में, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब कंपनी आती हैं। और जो हाईएस्ट पैकेज है आपका 10 से 12 लाख तक जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, और जो एवरेज पैकेज आपका 6 लाख के आसपास रहता है। सेकेंड आप पढ़ सकते हो मतलब अच्छा कॉलेज है ऑलमोस्ट, मतलब कंपनी आती है, अच्छे लोग का प्लेसमेंट हो जाता है, TCS, अमेजोन, एसेंचर, ये सब कंपनी आती है इस कॉलेज में। और हाईएस्ट पैकेज आप यहाँ पे देख सकते हो 7 लाख से, और एवरेज पैकेज 2.5 लाख से। फिर थर्ड कमेंट हम पढ़ लेते हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 80 से 85% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, और हाईएस्ट सैलरी आप देख सकते हो 13 लाख तक जाती है, और लोवेस्ट जो सैलरी आपकी 4 लाख के आसपास रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी में कौन कौन सी आती है, टेक महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस हो गया, सब कंपनी आती है। फिर जो अदर ब्रांचेस है आप देख सकते हो मतलब उनमें उतना अच्छा प्लेसमेंट तो नहीं लगता इस कॉलेज में, मतलब मेन जो प्लेसमेंट है CSIT को ही है। फोर्थ कमेंट में भी आप देख सकते हो, फोर्थ कमेंट में जो आपका मतलब एवरेज सैलरी होता है वो 4 से 6 लाख के आसपास होता है, और 68% लोग मतलब हर साल मतलब प्लेसमेंट होता है, और जो हाईएस्ट पैकेज है 12 लाख तक जाता है। तो आपको ओवरऑल में बता दूँ तो इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 10 लाख से 12 लाख के बीच में रहता है, और जो एवरेज पैकेज होता है वो आपका 3 लाख के आसपास रहता है। तो ये रहा हमारा कंप्लीट रिव्यू। मतलब कॉलेज तो अच्छा है, मतलब यहाँ पे मतलब बच्चे एडमिशन नहीं लेते इसलिए हर एक कैटेगरी की सीट खाली है। तो अगर आपके कम परसेंट आए आप चाहते हो ये सब ब्रांचेस में हो जाए CSIT की ब्रांचेस में तो आप यहाँ पे ले सकते हो एडमिशन। आप देख सकते हो मतलब CSIT की हर एक जो रिलेटेड उनकी ब्रांच है हर एक में मतलब सीट यहाँ पे वैकेंट थी बस CS को छोड़ के, और CS का भी उतना कट ऑफ नहीं गया था। अगर आप हिंदी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो, और जो हिंदी माइनॉरिटी की सीट यहाँ पे वैकेंट है वो कैप राउंड के थ्रू जो स्टेट लेवल से कैंडिडेट है उनको भी मिल जाती है। जो माइनॉरिटी की सीट है वो जो माइनॉरिटी वाले नहीं है उनको ये सीट मिल जाती है कम परसेंटाइल में भी। तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अगर माइनॉरिटी की सीट खाली रही तो आपको यहाँ पे सीटें मिल जाएंगी कम परसेंटाइल में। ये रहा हमारा कंप्लीट ओवरऑल रिव्यू इस कॉलेज से रिलेटेड। तो अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है इस कॉलेज से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। और नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और साथ में कॉलेज का डिटेल कोड भी मेंशन कर देना ताकि हम जल्दी से उस कॉलेज का रिव्यू निकाल पाए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।